hello everyone welcome back uh, there have been a lot of requests from you to upload bbe fourth semester macroeconomics all the videos associated to your syllabus so i'll try my best and i will be able to do so uh, last week i was not well therefore i could not upload any videos so in the previous class we have uh, started discussing about the theories of consumption and investment and this is the first unit

Uh, उस कंजम्पन फंक्शन को किनिशियन कंजन फंक्शन को कुछ हिस्टोरिक डाटा लेके एनालिसिस किया है इकोनॉमिस्ट्स ने और फिर ये कंक्लूड किया है कि क्या ये कंजम्प्शन फंक्शन रियलिटी में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है उसको हम इम्पेरिकल स्टडी बोलते हैं तो ऐसी दो तीन स्टडीज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम कंक्लूड करेंगे कि एक कंजम्शन पजल कंजम्पशन पजल के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आ सकता है इट कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ फाइव मार्क्स इट कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ टेन मार्क्स सो लेट स्टार्ट

फॉर डेरिवेशन इन दी कंजशन फंक्शन मतलब हमारा जो कंजम्शन है वो मेजरली इनकम के चेंज होने से ज्यादा चेंज होता है सिग्निफिकेंटली चेंज होता है इंटरेस्ट रेट या कोई भी और फैक्टर उसको इतना चेंज नहीं करता है और इसके बेसिस पे हमने ये कंजम्पन फंक्शन की ये कंजम्पन फंक्शन डिराइव किया था जहां पे ये तीनों कंजेक्टर्स सेटिस्फाई करते हैं नेक्स्ट नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट दल अनालिसिस So empirical analysis is to test the Keynes conjectures. So there is one finding where it says that households with higher income consumed more, and this confirms uh, this confirms that MPC is greater than zero. So uh, then there was another finding. हम पूरा का पूरा पोर्शन कंज्यूम नहीं कर रहे हैं पूरा का पूरा पोर्शन सेव नहीं कर रहे हैं सो एम पी सी लाइज बिटवीन जीरो एंड वन

वो अपना मैक्सिमम पोर्शन कंजम्पशन पे स्पेंड करेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ वी सेव कि कोई एक डेली वेज लेबर है और उसकी कुछ इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वो तो अपने पहले बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करेगा वो तो ना सोचेगा मैं सेव करूँ सो फर्स्ट ही विल सेटिस्फाई हिज बेसिक नीड्स ऑफ फूड क्लोथ एंड शेल्टर तो जब हमारी इनकम कम होती है हम अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नेचुरली हमारा कंजम्पशन ज्यादा होता है एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और सेविंग कम होती है And finally, because the correlation between income and consumption were strong, no other variable appeared to be important for explaining the consumption. Now, of course, we have interest rates and various other factors. But at that point in time, income was the sole important um, factor which led to significant changes in the consumption pattern. Thus, income is the primary determinant of how much.

के कंजम्पशन फंक्शन को लेट इज ऑल्सो डिस्कस दी एनोलिज एनोलिज इज समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड के टर्म्स में तीन चीजें डिस्कस की हैं कंजेक्टर्स में एम हमारा जीरो टू वन के बीच में लाइक करेगा एपीसी हमारा रिड्यूस करेगा जब इनकम इंक्रीज करेगी क्योंकि सेविंग एक तरीके की लग्जरी है और थर्ड इनकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा कंजम्पशन डिटर्मिन करने के लिए बट इसके कुछ हमारे ऐसे डाटा एनालिसिस हुए हैं अबाउट दैट एंड रिलेटेड पर्टिकुलरली ए टू एपीसी और उसी के बेसिस पे हम कंजम्पशन पज़ल को एक्सप्लेन करेंगे सो फर्स्ट एनमोली इज फेलियर ऑफ सेक्युलर स्टैगनेशन हाइपोथिस किन कंजम्शन थ्योरी के हिसाब से जब भी हमारा वर्ल्ड वॉर आया था और उसके बाद जब हमारा इनकम इंक्रीज होता तो एपीसी को रिड्यूस होना चाहिए था बिकॉज वेन एवर इनकम इंक्रीजेस एपीसी रिड्यूसेज एंड सेविंग्स शुड हैव इंक्रीज एंड देयर माइट नॉट बी इनफ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट टू अब्जॉर्व ऑल द सेविंग सो लो कंजम्प्शन लेट टू inadequate demand for goods and services, resulting in dep in depreciation in depression, and this was termed as secular stagnation. Ki economy ek स्टेग्नेंट फॉर्म में आ गई है क्योंकि हमारी इतनी डिमांड नहीं हो रही है तो फिर हमारी प्रोडक्शन भी नहीं होगी और प्रोडक्शन नहीं होगी मतलब हम स्टेग्नेंट स्टेट में आ जाएंगे और एक प्रोलोंग पीरियड ऑफ डिप्रेशन में आ सकते हैं सो दे सेक्युलर स्टेगनेशन मीन्स अ लॉन्ग डिप्रेशन ऑफ इनडेफिनेट ड्यूरेशन अन पॉलिसी वॉज यूज टू एक्सपैंड गवर्नमेंट पॉलिसी का on and other so that हमारा एग्रीगेट डिमांड एक पे रहे और हम डिप्रेशन में ना जाए या बट हुआ क्या दिस सेक्युलर स्टैग्नेशन डिड नॉट है तो इसको हम बोलते हैं फेलियर ऑफ सेक्यूलर स्टैगनेशन हाइपोथिस कि जो हमने एस्यूम किया था वर्ल्ड वॉर के बाद इनकम इनक्रीज होएगी और एपीसी रिड्यूस होएगा एपीसी रिड्यूस होने का मतलब है सेविंग ज्यादा होएगी और उस सेविंग को अकोमोडेट करने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नहीं थे अगर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं है तो इसका मतलब प्रोडक्शन स्टेग्नेट हो जाएगी ये सिचुएशन एक्सपेक्ट की गई थी किनेशियन थ्योरी के बेसिस पे बट दिस डिड नॉट हैपन इसी को बोला जाता है फेलियर ऑफ सेक्युलर स्टेगनेशन हाइपोथेसिस But fortunately for the economy and unfortunately for the proponents or the supporters or the believers for the Keynesian consumption function, although after World War II incomes were much higher than before, but they did not lead to large increases in the rate of savings. Mm -hmm. Now, why this could have happened? Maybe because of World War time, such a so low level of income. कि जैसे हमने लास्ट वाले एम्पेरिकल एनालिसिस में डिस्कस किया था कि अगर हमारी इनकम बहुत लो है तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा हम ज्यादा सेव नहीं करेंगे मे बी दैट वॉज द रीजन सो दस किनिशियन कंजेक्चर दैट ए पी सी रिड्यूस एज इनकम इंक्रीजेस डिड नॉट अपियर टू होल्ड एंड दिस इज टर्म्ड एज फेलियर ऑफ सेक्यूलर स्टैगनेशन

keen's conjecture that apc reduces with increase in income does not hold in the long term period and in the long time period according to simon kuznets apc will be constant so we say that this failure of secular stagnation hypothesis and findings of kuznets both indicates that apc is fairly constant over long period of time and this fact presented a पजल इसी को हम बोलते हैं कि ये एक कंजम्पशन पजल है एंड इकोनॉमिस्ट वांटेड टू नो दैट व्हाई द किनेशियन कंजम्प कंजक्चरस होल्ड अप वेल इन द स्टडीज ऑफ हाउस होल्ड डाटा ऑफ शॉर्ट टाइम सीरीज बट फेल्ड जब भी हम लॉन्ग टाइम सीरीज को एनालाइज करते हैं मतलब ये बोल रहे हैं कि ये कैसा पजल कंजम्पशन पजल है कैसा पजल है कि जिसमें हमारा शॉर्ट टर्म में तो कीन्स की जो थ्योरी है एपीसी एसोसिएटेड मतलब जब हमारा इनकम इंक्रीज करेगा और एपीसी रिड्यूस करेगा वो सैटिस्फाई होता है बट लॉन्ग टर्म में नहीं होता है इसी को कंजम्पशन पजल बोला जाता है तो अभी जो हमने कंजम्पशन कर्व डिस्कस किया था लास्ट क्लास में जो किनेशियन कंजम्पशन कर्व हमने डिराइव किया था वो ये आप ब्लू वाले लाइन से देख सकते हो ये हमने ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया था अब ये जो कंजशन पजल है इसने बोला है कि शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में हमारा कंजम्शन फंक्शन कंजम्पशन कर्व अलग अलग होता है शॉर्ट टर्म में तो ठीक है जो किन्स ने बोला उनकी सारी चीजें सेटिस्फाई करती हैं। सो दिस इज द शॉर्ट टर्म वेयर इन एपीसी इज फॉलिंग हाउ एवर इन दी लॉन्ग रन we can say that this black line that you can see black upward sloping line this this represents the long run consumption function and here we say that this is because we have a constant apc as you can see here that this is a linear upward sloping curve which means that slope is constant so so we say that the puzzle is that the evidence suggested there were two consumption functions

दूसरे इकोनॉमिस्ट ने उन चीजों को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया बेसिकली किशियन कंजम्पशन फंक्शन पे और इम्प्रूव्ड थ्योरीज हैं आपके सिलेबस में चार थ्योरीज हैं सो मोडगिलानी एंड फ्रेडमैन दे प्रपोज एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज कॉन्ट्राडिक्ट्री फाइंडिंग्स एंड दे ट्राइड टू सॉल्व दिस कंजम्पशन पजल बट बिफोर वी अंडरस्टैंड मॉडगिलानी एंड एंड फ्रेडमेन्स परमानेंट इनकम हाइपॉथिस इट इज इंपॉर्टेंट टू नो आयरविंग फिशर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू कंजम्शन थ्योरी एज बोथ मॉडगिलानीज लाइफ साइकिल थ्योरी एंड फ्रीडमेंस पर्मांट इनकम हाइपोथिसिस थ्योरी दे आर बेस्ड ऑन दी कंज्यूमर बिहेवियर जिसको आयरविंग फिशर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सो आवर नेक्स्ट थ्योरी विल बी अबाउट आयरविंग फिशर्स थ्योरी एंड देन वी विल डिस्कस मॉडगिलानीज थ्योरी एंड फ्रीडमेंस थ्योरी सो यही चार थ्योरी हैं कंजम्पशन फंक्शन की फर्स्ट इज द स्कीशियन थ्योरी सेकेंड इज Fisher's theory, third Modigliani and fourth Friedman. After doing these four theories, your consumption theories will be over, and we will start with our investment theories. But in the next class, we will focus on Fisher's intertemporal choice. If you have any problem, if you have any doubt, you can comment. All the best for your preparations, everyone.